आपका शहर आपकी खबर, मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जालौर से, बहुत बड़ी खबर यह है। दरअसल मिट्टी गिरने से 5 लोगों की मौत की खबर इस वक्त मिल रही है। एक बच्ची और 4 युवक की मौत की खबर है। ग्रेनाइट इकाई में काम करने वाले 5 मजदूरों की मिट्टी ढहने से मौत की खबर है। जालौर का ग्रेनाइट थर्ड फेज का यह पूरा मामला है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, 4 मजदूर और जिसमें एक बच्ची भी बताई जा रही है। कुल मिलाकर 5 लोगों की मौत हो गई इस वक्त बड़ी खबर है जालौर से, जहां पर मिट्टी ढहने से 5 लोगों की मौत हो गई। एक बच्ची और 4 मजदूर इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। ग्रेनाइट इकाई में काम करने वाले ये सभी थे और मिट्टी ढहने से मौत की खबर है। जालौर का ग्रेनाइट थर्ड फेज का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने है, बेहद दुखद खबर इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर है, 5 लोगों की मौत हो गई है, मिट्टी ढहने से यह हादसा हुआ है और यह खदान बताई जा रही है जिसमें काम चल रहा था। बबलू इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। बबलू, क्या कुछ जानकारी है, बड़ी खबर और दुखद खबर इस वक्त है? बिल्कुल संजय, बताना चाहूंगा जिस तरीके से एक ग्रेनाइट फैक्ट्री है, ग्रेनाइट फैक्ट्री में जो पानी का हौदा होता है वो हौदे को खोद रहे थे। एक दीवार को पानी की मिट्टी से चुन दिया था, दूसरी दीवार खाली थी, उसी के चक्कर में वो जो साइड की जो दीवार थी वो आ गई और उसके चलते नीचे एक बच्चा और 4 युवकों की मौके पर मौत हो गई दबकर। और जब उस हादसे का पता चला तो परिजनों का रो रो कर हाल बेहतर है। अभी अस्पताल में भारी भीड़ है और अभी अस्पताल मौके पर जालौर के SDM चंपालाल जिनगर के साथ में जालौर का तमाम प्रशासन है जो मौके पर पहुंचा है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि त्यौहार पर बड़ी घटना है। और इतना ही नहीं, जब ग्रेनाइट में इतने बड़े बड़े उद्योग जब लगाते हैं तो सारी सुरक्षा क्यों नहीं उपलब्ध की जाती है, ये सबसे बड़ा एक सवाल उभर कर सामने आ रहा है। जी संजय, ये जो खनन हो रहा था क्या ये अवैध था या फिर वैध था जहां पर ये खदान ढही है? संजय बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये खनन नहीं था, ये जो ग्रेनाइट की जो फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में पानी का हौदा बनाया जाता है। पानी का हौदे का इतना गहरा होता है कि 8 से 10 फीट गहरा होता है। उस गहराई को देखते हुए उस गहराई को ढंग से मरम्मत नहीं करी, उसी के चक्कर में एक तरफ से दीवार ढह गई और ढहने के कारण 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस क्या कर रही है अभी, कोई कार्रवाई? पुलिस अभी अस्पताल में पहुंची है। एडिशनल SP अनुकृत उजैनिया मौके पर है। डिप्टी SP जहां हादसा हुआ है वहां मौके पर है। जो जालौर के SDM है चंपालाल जिंदर वो मौके पर है। अब तरीके की जांचें चल रही है और ग्रेनाइट का जो फैक्ट्री का जो मालिक है वो फैक्ट्री के मालिक को हिरासत में ले लिया गया है। जी संजय धन्यवाद इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। बबलू, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, 5 लोगों की मौत हो गई बताया जा रहा है, इसमें एक बच्ची भी शामिल है जिसकी मौत हुई है। सीकर से बड़ी